जब आप लड़की की शादी करते हैं तो उससे उसकी मर्ज़ी पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्द पत्तों का बन एपिसोड 6 का जब मैं प्रोमो देख रहा था तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लगी, जहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस से वो कहती है जी कि ठीक है आप रिश्ता मांगने आए हैं, ठीक है सारी रस्में हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लड़के से अकेले में बात कर दी। इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता गांव के माहौल में, यार एक कुड़ी आई हम तो ये तवक्को कर रहे हैं कि वो शर्माएगी वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो सबके सामने ये डिमांड कर रही है जी मुझे लड़के से अकेले में बात करनी, और तब वो लड़के पे वो ज़िम्मेदारी डालती है। लड़का कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो कहती है कि मैंने तो अपना इम्तिहान पूरा कर दिया, अब ये तुम्हारा इम्तिहान है। तो ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन इस लिहाज से ये स्टोरी आउट क्लास जा रही है इस वक्त। जितने भी ड्रामे, यार सास बहू के रिवायती झगड़े नहीं हैं, इस ड्रामे में हसास इश्यूज़ पर कलम उठाया गया और ड्रामे के ज़रिए दिखाया गया है इन इश्यूज़ पर कि भाई किस तरह भेड़ बकरियाँ हैं यार, ना आपने उनसे पूछना ना कुछ और। और अगर लड़की उस वक्त ये मुतालबा कर दे कि भाई मैंने लड़के से दो टोक आमने सामने बातचीत करनी है, तो इसमें बुरा क्या है, उसको बेशर्म कहना तो सरासर गलत है। तो इस लिहाज से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, और मुझे ये ड्रामा इसलिए भी अच्छा लगता है कि इसमें सास बहू वाले मामला ज़रा कम हैं और जेन्युइन इश्यूज़ पर ज़्यादा बात की गई है। ये मेरी राय है, लेकिन ड्रामा सीरीज जर्द पत्तों का बन आपको क्यों अच्छा लगता है, कौन सा किरदार बेस्ट लगता है आपको, ये कमेंट में आकर ज़रूर बताइए। और ड्रामा सीरीज जर्द पत्तों का बन में किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा शानदार लगती है, ये भी आपने बताना है। तो हम मिलते हैं एक और ऐसी ही लश पश सी वीडियो के साथ, और मज़े मज़े के ड्रामों के रिव्यूज़ के लिए एक ही नाम ड्रामिस्तान पर यू, अभी चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में रखें याद, खुश रहें, जवान रहें, अल्लाह हाफिज़।